आपको मैं बता दूं, रानी जो है इनके नाम पे बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जो इनके नाम पे हैं, जैसे रानी नंबर 786, रौडी रानी, फिर रानी बनन ज्वाला. तो रानी, जब प्रोड्यूसर आपका ओरिजिनल नाम यूज करते हैं, एक तो आपको हीरोइन लेते हैं उसका पैसा तो अलग है, तो आप बोलती नहीं कि मेरा ओरिजिनल नाम यूज कर रहे हो तो मेरे को इसका पैसा अलग दो, ऐसा होता है? एक्चुअली इनका ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है. एक्चुअली जब फिल्म कर रही होती हूँ तब होता है प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2. इस अच्छा जब मैं शूटिंग पर होती हूँ नाम बाद में डिसाइड होता है. अचानक से फिर आता है, रानी जी पता है टाइटल क्या रखे हैं? क्या रखे हैं? क्या रखे हैं? रानी 786. मैंने कहा ये क्यों रखे? कोई मिल नहीं रहा था ना आपके नाम के साथ. अच्छा बढ़िया है, आप एकदम जमा दीजिएगा. क्या बात है. रानी बनल ज्वाला में मेरा कैरेक्टर का नाम ज्योति है. अच्छा. पूरी फिल्म की शूट मैंने की ज्योति ज्योति ज्योति, टाइटल ट्रैक भी था उसमें ज्योति बनल ज्वाला समथिंग. अच्छा. जब फिल्म का मैंने पहला न्यूज देखा वो रानी बनल ज्वाला था, मैंने पीटर सर को कॉल किया, सर फिल्म में तो ज्योति है उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने लिखा ना रानी बनल ज्वाला. हाँ मैंने कहा सर टाइटल ट्रैक भी है, मेरी एंट्री ज्योति बनल ज्वाला से हो रही है, उसे क्या फर्क पड़ता है? रानी है, सबको पता है ना रानी ही है वो. क्या बात है यार, ये हुई ना स्टारडम. जैसे निरहुआ ने जो फिल्म बनाई निरहुआ रिक्शा वाला, वो इतनी पॉपुलर हुई. बच्चन साहब ने भी एक टाइम पे कुली और मर्द जैसी फिल्में बना के मासिस का दिल जीत लिया था. तो निरहुआ जी ने ये जो फिल्म बनाई निरहुआ रिक्शा वाला, इसी फिल्म से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था. मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कोई भी आप में से हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि आपके ऑटो में जब कोई लड़का लड़की खूबसूरत बैठते हैं वो अपना जो भी उनका नहीं, वो एक होता है कि चलिए दुनिया में प्रेम जितना बढ़े उतना अच्छा है. तो कहते हैं कि आपका ध्यान सामने सिग्नल से ज्यादा पीछे जो साइड मिरर लगा होता है उसमें रहता है. कोई जवाब देगा जी? माइक ले लीजिए. आपका नाम क्या है? जी राजेश यादव. कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर ये इलाहाबाद से. इलाहाबाद से. जी सर. अच्छा मजा आ रहा है आज आपके आपके चहेते स्टार्स हैं यहाँ पे. सर दिनेश लाल यादव देखने की बड़ी इच्छा थी सर, आज अचानक से मैं यहाँ आ गया. वाह. अपने दोस्तों के साथ. अच्छा तो राजेश जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सर ये सबके लिए जरूरी नहीं है. नहीं नहीं पर आप नहीं देखते हैं कभी? सर ऐसा नहीं, हमारा काम है गाड़ी चलाना सर. वेरी गुड. हाँ नहीं आपका तो है, बड़ी अच्छी बात है. नहीं आप तो अपनी गाड़ी चला रहे हैं लेकिन पीछे जो अपनी गाड़ी चला रहा है तो आप नहीं देखते, ये आपकी ईमानदारी, आप ऐसा बोल रहे हैं. और कोई मेरा दोस्त जो सच्चे दिल से माने कि हाँ यार, जैसे खेसारी लाल जी ने बोला कि मैं पानी मिलाता था, भाई मिलाते थे. मैं कहता हूँ अभी छोड़ दिया हो लेकिन पहले जो देखता हो, ऐसा कोई है? हाथ खड़ा करे. जी जी अभी कुछ कहना चाहते? हाँ सर ये कहना चाहता हूँ मैं. क्या? कोई अपनी बुराई नहीं बताता है. हाँ देख लेते हैं. हाँ साइड में कोई लेके जाता है देख लेते हैं, अपने में बैठा रहते हैं उसको नहीं देखते. ठीक है अच्छी बात है, वो भी एक एंटरटेनमेंट का साधन है. अच्छा कभी आप सब में ऐसे ऐसे सवाल है, जैसे हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि एक बार कटरीना सलमान बैठ के ऑटो में चले गए, ऐसे कभी घर से निकले और ट्रैफिक था, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी के साथ, कोई सेलिब्रिटी आके आपके से बैठ गया हो? है आपके साथ हुआ है? जी माइक. मेरा नाम तो नहीं लेगा. अजय नाम है मेरा. अच्छा जी मैं बिहार से हूँ. अच्छा जी वो पेट क्यों क्या हो रहा है? नहीं अरे मुझे लगा कह रहा था मैं बिहार से और मैं पेट से भी हूँ. तो अजय आपके कौन कौन सेलिब्रिटी बैठा? मैं वर्सावा में वो कौन सा हरी रोड है. हाँ जी हाँ जी वहाँ पे मैंने एक घंटा खड़ा रहा, मुझे कोई पैसेंजर मिला नहीं. अच्छा जी तो फिर मैंने वहाँ से रिक्शा निकाला, मैं सोचा आगे जाता हूँ आगे कोई मिल जाए. अच्छा जी तो जैसे आगे आया ना तो एक बिल्डिंग से अंदर आ रहे थे सर, वो कोई मिलन में काम करते हैं. अच्छा विलन थे कोई? हाँ मैंने फोटो निकाला था उनके साथ, तो उन्होंने आवाज दिया, मैंने रोका, फिर बोले जो गोरेगांव फिल्म सिटी जाना. अच्छा जी बोला ठीक है सर, बोले मालूम है क्या? मैं बोला हाँ मालूम है. फिर उधर से मैं उनको देखते हुए आ रहा हूँ, बार बार मैंने उनको कांच में देख रहा हूँ पीछे. अच्छा जी मैंने गोरेगांव चेक नकाया, जब भी मैं उनको पूछा तो सर मैंने आपको कहीं देखा हूँ. फिर बोले ऐसा है क्या? देखे हो? मैं बोला हाँ सर. तो मैंने उनको बोला सर मैं आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ? बोला हाँ खींच लो. फिर साथ में जो है
मैंने फोटो निकाला, फिर थैंक यू बोला, सर पैसा दिए, फिर मैं उधर से आ गया। कौन थे वो? नाम उनको नहीं याद है। मैंने फोटो निकाला। लेकिन कपिल, जब तुमने फोटो तो खींची ना उनके साथ, तो बाद में फोटो दिखाई होगी, किसी ने तो पहचाना होगा ये कौन है। मैंने ऐसे फोटो दिखाया लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। नहीं, रूम पे जो है फोटो दिखाया तो सबने पहचाना, लेकिन नाम किसी को पता ही नहीं। ये सही है, ये सही है। ये सही था। हाँ, कितना फेमस होगा वो आदमी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय अमरपाली जी, हाय दिनेश सर, हाय रानी जी और खेसारी जी, तो हम एक ही माँ बाप के औलादे हैं। ऐसे कैसे? प्यारी है ना। अच्छा जी, मैं अजय कुमार बिहार से हूँ। अच्छा जी, और मैं खेसारी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, दिनेश भी कहूँ बहुत बड़ा पहले, लेकिन वो पुराने हो गए, अभी नए में। तो इसलिए उनका हर गाना सुनता हूँ मैं, जितनी भी फिल्म रिलीज होती है, जो भी एल्बम्स आते हैं, सभी देखता हूँ मैं। अच्छा, खेसारी भैया एक और चीज में बहुत बड़े फेमस है। अच्छा, लौंडा डांस में, जो हम लोग बिहार में लौंडा डांस होते हैं। अच्छा जी, मैं सुना हुआ खुला खुला डांस जो होता है जी। तो मैं खेसारी भैया से आग्रह और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी ऑडियंस बैठे हुए हैं, एक बार लौंडा डांस दिखा दीजिए और कपिल शर्मा शो पे ऐसा बवाल मचा दे, ऐसा बवाल मचा दे कि पूरी दुनिया में मान जाए कि बिहार का भी कोई औलाद है। आप भी आइए मंच पे, आप भी आइए। यार बड़े मजेदार बोलते हो आप। देखो साड़ी आ गई। साड़ी आ गई। हाँ, ये लीजिए। अच्छा, ये मैं दुपट्टा ही ले लेता हूँ। यार ये ना, वाओ, मैं सबसे प्यार हो गया, मतलब इतने प्यारे लोग और इतना मजेदार आप में, आपका टैलेंट है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।